मेरा नाम सतीश सिंह है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं दो दिन से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। आपके तकरीर में मेरे समझ में ये आ रहा है कि कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज़्यादा सबसे आतंकवादी है, और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह भाई साहब ने दो दिन तकरीर सुनी और फिर यकीन हो गया क्या कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह, उसकी मुबारक देता हूँ। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं आपका, सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है, ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इजहार होता है, लेकिन ये है क्यों गलत फहमी, जिस तरीके से मीडिया गलत फहमियां फैलाती है, हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो, टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है, उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमानों को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे दो लकब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे, कई साल किया, बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे, इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, दो लकब, दो टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है, अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है, तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, दो लकब, वही आदमी, वही काम, दो लकब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या, लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है क्या देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई देशभक्त आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त। हाँ मैं भी समझता हूँ देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते, तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं CNN BBC पे कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी, उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी, टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बना दिए, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है, वही आदमी, वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी
सफेद गवर्नमेंट ने, क्या वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है? जिस शख्स को आप ये कहते फिर रहे हैं कि उसे दुनिया मानती ही नहीं बल्कि दुनिया उसे टेररिस्ट कहती है, तो फिर वो लोग कौन हैं जो उसे अमन का नोबल इनाम दे रहे हैं? अब एक तरफ तो आप उन्हीं मुसलमानों को अमन का नोबल इनाम दे रहे हैं, दूसरी जानब आपका मीडिया और आप खुद उसे टेररिस्ट गर्दान रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह यसरा में इरशाद फरमाया है कि जब हक बातिल से टकराता है तो बातिल चूर चूर हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की जात ने दुनिया के अंदर मुसलमानों को वो फौकियत अता कर दी है कि मुसलमान अगर चाहे सही रास्ते पर अमल करे तो अल्लाह पाक की जात उसे सुरखरू फरमाती है। आप यूं ही मुंह उठाकर किसी को भी दहशतगर्द नहीं कह सकते। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ। मैं जब इंग्लैंड गया तो टोनी ब्लेयर ने एक तकरीब के अंदर आना था, लेकिन वो नहीं आए, तो उनकी जगह पे उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि 18वीं सदी में जब आप बड़े सगीर पाको हिंद पर हुकूमत कर रहे थे और आप हम लोगों के हुकूक को गसब कर रहे थे, तब आप लोगों का ये मानना था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका के बाद में सुदूर बने और अमेरिका के अंदर बाकायदा एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, मयार रखते हैं, आप कहते थे कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग दहशतगर्द हैं, लेकिन अब ये लोग आपके दोस्त बन चुके हैं। यहाँ तक कि इस वक्त का जो सदर था, यानी ये वीडियो जबकि रिकॉर्ड हुई है, डॉक्टर जाकिर नाइक उसका रेफरेंस दे रहे थे कि आजकल बुश जो है वो बॉस है, तो बुश जो है उसका भी बॉस था जॉर्ज वॉशिंगटन, यानी सदर का बॉस था। अब उस जगह पर आप लोगों ने क्या गौर किया कि शुरू में उसे आप लोग जो है वो दहशतगर्द कह रहे थे, बाद में वो आपका दोस्त बन गया। सिलसिला ये है कि जब तक कोई इंसान आपके जितने भी मतलब आपके जो फायदे हैं, आपके जो मफादात हैं, उनके ऐन मुताबिक चलता है, आपको वो अच्छा लगता है। जिस लम्हे वो आपके मफादात के मुखालिफ चलता है, आपको बुरा लगना शुरू है। आपने अपने इन टेररिस्ट दोस्तों की जो है, जो कि आप लोगों के अपने अब दोस्त बन गए, इनकी हिस्ट्री की बेस पर ये डिसाइड करना है कि मुसलमानों को आप लोग दुनिया में किस रैंक के अंदर रखते हैं। 11th of September के बारे में ये कहा जाता है कि जनाब 11th of September जो है ये मुसलमानों ने करवाया। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां पर मुझसे लोग पूछने लगे कि बिन लादेन आपके ख्याल में टेररिस्ट है या नहीं। अब जब बिन लादेन के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं वो, तो मैंने उनसे जवाबन ये कहा कि देखें, मैं बिन लादेन को पर्सनली नहीं जानता, मैं आपको भी पर्सनली नहीं जानता, लिहाजा कोई आपके बारे में मुझसे कोई पूछेगा तो मैं जवाब नहीं दे सकता। बिन लादेन अच्छा है बुरा है मैं इसके बारे में कोई राय नहीं रखता, क्योंकि बिन लादेन के साथ मेरे कोई टाइज नहीं है, उसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। अगर वो अच्छा इंसान है तो भी जब तक मैं उसे देख नहीं लेता मैं नहीं कह सकता, बुरा है तब भी नहीं कह सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने ये कुरान में इरशाद फरमा दिया है कि जब तुम्हारे तक कोई खबर पहुंचे तो तुम उसकी तहकीक किया करो। अब मेरी तहकीक जो है उसका मयार CNN या BBC नहीं है। अगर ये लोग जो कह रहे हैं मैं वो मानना शुरू कर दूं, फिर तो बिन लादेन मेरे सामने टेररिस्ट है। लेकिन मैं मीडिया पर घूमता हूं और मैं जानता हूं कि प्रोपेगेंडा और एजेंडा कैसे सेट किया जाता है, लिहाजा मैं इस बिना पर, इस बुनियाद पर कोई बात नहीं कर सकता जो कि आप मेरे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आप मेरे मुंह में अल्फाज नहीं तुन सकते, आप मेरे मुंह के अंदर अल्फाज नहीं दाखिल कर सकते, मैं अपनी मर्जी के साथ जो है वो चीज़ें जो है वो चलाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि बुश जो है उसको मैं क्यों बार बार दहशतगर्द कहता हूँ, इसलिए कि बुश मीडिया पर बैठकर खुद ये बयान करता है कि मैंने हजारों लोगों को कत्ल किया, मैंने हजारों लोगों को मारा। अब एक बंदा खुद जब एक चीज का इकरार कर रहा है तो मैं उससे कैसे मुंह मोड़ लूं? अब वो खुद जब ये बात कह रहा है कि मेरे सामने लोगों का कत्लेआम हुआ, मैंने खुद करवाया, मैंने परमिशन दी, तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये सारे का सारा वोट बैंक का खेल है। बड़ी इन लोगों की जो है वो अपनी तरफ से ये बातें करते थे कि जनाब अगर कोई परिंदा भी उड़ता है पेंटागन पर तो हमें फौरी पता लग जाता है। 1.5 घंटे के वक्फे के साथ 2 जहाज आए, उन जहाज़ों ने आके दुनिया की सबसे बड़ी इमारत को हिट किया, और इस तरह जो हिट किया कि पूरी दुनिया को पता चला कि जनाब यहाँ पे मामला हुआ है। तो तब इन लोगों को जो है मुझे बताना चाहिए कि उस वक्त इन्हें पता क्यों नहीं चला जब ये इमारत हिट हो रही है, उस वक्त भी इन्हें पता चलना चाहिए था ना। लेकिन हर बंदा पूरे अमेरिका के अंदर हर बंदा कह रहा है कि ये इनसाइड जॉब है, ये हुकूमत ने खुद की है, ये अमेरिका की स्ट्रीट्स के ऊपर हर बंदा कह रहा है, क्योंकि जहाज के लगने से इमारतें कभी इस तरह नहीं गिरती जिस तरह से ट्विन टावर नीचे गिरे। तो ये मामला आप लोग देखें, गौर करें, आपको पता चलेगा वोट हासिल करने की एक टेक्निक थी। अब आप इसी की एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं तो आप जॉर्ज बुश की मतलब इस एग्जांपल से आपको पता लग जाना चाहिए कि जॉर्ज बुश कहता है कि हमने जो है ये जितने टेररिस्ट हैं जिन लोगों ने हरकत की है हमने उनको पकड़ना है मारना है, उन्हें अफगानिस्तान की हुकूमत ने कहा कि आप हमें सबूत दीजिए तो हम लोग यहाँ से ढूंढ के उसे सजा दे देते हैं। सपोज अगर मारा भी था उसने, 3-4 हजार लोग अगर वहां पे मरे थे
तो क्या उसका बदला यूं उतारना है कि आपने अफगानिस्तान में आके दीगर ममालिक के अंदर आके पूरी अरब दुनिया के ऊपर आके तबाही फेर देनी, इन तमाम इलाके के लोगों को मार देना, लाखों लोगों का कत्ल जो है वो आपने किया है इसके बाद सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर? तो ये कहाँ का इंसाफ है? इंडिया के अंदर आप देख लें, बिल्कुल वोट बैंक के लिए इसी तरह किया गया कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद को जब तक दंगे फसाद नहीं हुए थे कौन जानता था? गुजरात के दंगे फसाद से पहले कौन जानता था कि यहाँ पर ये इलाके हैं? इलाकों का ही किसी को नहीं पता था, लेकिन वहाँ पर बीजेपी ने वोट बैंक हासिल करने के लिए सब कुछ किया। पुलिस चाहती तो इस तरह का कोई दंगा फसाद नहीं हो सकता था, लेकिन पुलिस भी इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। पुलिस का मुंह बंद करवाया गया था, पुलिस कुछ नहीं कह सकी। मुसलमानों पर टेररिस्ट का लेबल लगा दिया गया। एक मोहल्ले के अंदर एक घर के साथ वाले घर से एक बंदा बाहर निकलता है और अपने हमसाए की बेटी का उसकी आंखों के सामने रेप कर देता है और पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाती। पुलिस के मुंह पे टेप लगी हुई है, कोई बात करे पुलिस आगे से जवाब देने के काबिल नहीं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं। अब वो डरते किससे हैं ये आप और मैं बेहतर तरीके से जानते हैं। डरते वो इस चीज से हैं कि अगर हम लोगों ने अगर मुंह खोला मिसाल के तौर पे तो शायद हमारी नस्लें ही खत्म ना कर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बगावत की, गलत किया, लेकिन और क्या करते, बगावत ही जो है वो इसकी जड़ रह गई थी। अब ये बात तो रही एक तरफ, लेकिन आपने इतना प्रोपेगेंडा जो मुसलमानों के खिलाफ किया उसके बावजूद जब 9/11 गुजरा है तो 34,000 अमेरिकन्स ने इस्लाम कबूल किया है। पहले मैं जाता था वहाँ पे टॉक देने, मेरी टॉक में इतने लोग ही नहीं आते थे। अब मैं जाता हूँ तो मेरी टॉक भरी हुई होती है अमेरिकन्स के साथ कि वो लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये कौन सा मजहब है जो कि लोगों को मारने का हुक्म देता है। लेकिन जैसे ही वो आते हैं मेरी टॉक सुनने, वो इस्लाम के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल फेर देता है, उन लोगों को इस्लाम की समझ आ जाती है और वो मुसलमान हो जाते हैं। तो अब अल्लाह पाक ने जब कुरान में बनाया ना सूरह इमरान के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि वो अपनी चाल चलते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी चाल चली और अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन चाल चलने वाला है। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने इन लोगों को ये जितना चाह रहे थे कि मुसलमानों से दूर करें, इन लोगों को शिकस्त फाश दी और दीन इस्लाम को मज़ीद बढ़ोतरी दी। इस्लाम एक्सपेंड कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो वेस्टर्न्स की प्लानिंग फेल हो गई और दुनिया के अंदर ये कहा जाता था कि औरतों के हुकूक इस्लाम गसब करता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ इंतहाई खुशी के साथ कि इस वक्त इस्लाम कबूल करने वाली वेस्ट की खातिन में से 2/3 खातिन है, क्योंकि जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया दीन इस्लाम तो उन्हें पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी हल और चीज़ों की आसान तरीके से एक्सप्लेनेशन दीन इस्लाम के ज़रिए दी है उतनी तो कहीं और है ही, तो वो दीन इस्लाम की तरफ खींची चली हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात नहीं की जाती, इन पर बात होनी चाहिए ताकि पता चले कि इस्लाम कहाँ स्टैंड करता है और ये लोग हमें किस दलदल के अंदर जो है वो घुसेड़ना चाहते हैं।